एफसी, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन। दोस्तों अगर पहली बार आए हैं इंटरडे टेक मुंबई एमबीपी के संगीत चैनल पे, तो आप एक बात आपको मैं बता दूं कि आईआरएफसी 2021 में इसका आईपीओ आया था, और 2021 में आईपीओ में 26 रुपया के आसपास ये जिन्होंने ख़रीदा था, और उसके बाद 2021 के जनवरी महीने में ही आपको इसका आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग जो आया हुआ था इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन का, और उसी समय एक स्टॉक और आया था AWACL 1 जनवरी 2021 को, उसका भी आईपीओ होगा। पहला दिन 2021 का पहला साल का पहला दिन आईपीओ लिस्टिंग हुई थी AWACL अंटोनी वेस्ट फायर हैंडलिंग कॉरपोरेशन, और उसके 460 रुपये के आसपास ये लिस्टिंग हुई थी, और ये 460 रुपये का लिस्टिंग होने के बाद एक महीना भी नहीं हुआ था कि ये गिरावट होकर 240 रुपये 235 रुपये पहुँच गया। दोस्त तो आईपीओ से रिलेटिव अगर आपको कोई भी एनालिसिस, आईपीओ अगर मिलता है आपको तो लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, या आईपीओ अगर ले लिए मिल गया तो क्या करना चाहिए, आईपीओ मिलने के बाद क्या करना चाहिए, आईपीओ नहीं मिला तो क्या करना चाहिए, अगर वो स्टॉक वो कंपनी अच्छी स्थिति में है और आईपीओ नहीं भी मिला दोस्तों, जैसे कि बीकाजी फूड इंटरनेशनल, शुरू से मैं बोलते आ रहा हूँ कि ये स्टॉक को बेचना नहीं है, अडानी विलमार को बेचना नहीं है। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा सेक्टर है एफएमसीजी सेक्टर कि इसके कभी भी प्राइस घटते नहीं है, और घटते भी हैं तो 2-4 महीने के लिए, 2-4 दिनों के लिए, लाइफ टाइम के लिए नहीं कि जो 100 रुपये का माल है वो 50 रुपये हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता है और ना होगा। जोमेटो के बारे में क्यों बोले, इसलिए कि सर्विस सेक्टर का है, जोमेटो का जो काम है धंधा है वो सिर्फ और सिर्फ उस समय बहुत बड़ी एनालिसिस में बोलते लोग कमेंट बहुत सारे कहते थे, लेकिन हमने बोला था जितना जल्दी हो सके बेचकर निकल जाना जोमेटो, जितना जल्दी हो सके बेचकर निकल जाना पेटीएम, और जितना जल्दी हो सके बेचकर निकल जाना पीवी फिनटेक। लेकिन आज वही स्टॉक को एमबीए बीके सिंह आपको बार बार कहते हैं, जोमेटो खरीदो हर गिरावट में, पीबी फिनटेक बैंक पॉलिसी बाजार .com खरीदो हर गिरावट में, पेटीएम खरीदो हर गिरावट में, तो ये सभी स्टॉक्स। उसके बाद एक स्टिक आईआरएफसी नीचे की तरफ आता है दोस्तों, 25 रुपये तक अगर आता है तो चुकना नहीं दोस्तों, अगर 25 रुपया नहीं आया तो समझ लीजिए कि ये 40 रुपया का अपना तैयारी कर लीजिए दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सोच रहे, आपका परिवार सोच रहे, ईश्वर से मैं यही कामना करते हैं।